विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि टिकट देना ना देना केंद्रीय नेतृत्व का अधिकार क्षेत्र है, लेकिन मेहनत करना मेरा काम है। अगर टिकट मिला तो बाबल विधानसभा में शिक्षा, चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हुए विकास कार्य को लेकर जनता के बीच जाएंगे और रह गई कमियों को पूरा करेंगे, चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। गुरुवार को रेवाड़ी पहुंचे हरियाणा विधानसभा चुनाव सह प्रभारी विप्लव देव पर उन्होंने कहा कि हर कार्यकर्ता उनके दिशा निर्देश पर संगठित होकर प्रदेश में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनाने का काम करेंगे। डॉक्टर बनवारी लाल ने कांग्रेस सहित पूरे विपक्ष पर टिप्पणी करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने, विशेषकर कांग्रेस ने, दलित वर्ग को गुमराह किया और कहा कि भाजपा की सरकार बनी तो संविधान बदल देंगे, वही महिलाओं को भी हर महीने उनके खाते में पैसे भेजने का झूठा प्रलोभन दिया गया, लेकिन इस बार जनता जाग चुकी है और तीसरी बार प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी, लेकिन विपक्ष और कांग्रेस की दाल नहीं गलेगी। जिस तरह से प्रदेश लेवल पर एक विस्तृत राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी और उसके अंदर माननीय अमित शाह जी और धर्मेंद्र प्रधान जी और बहुत से हमारे शीर्ष नेतृत्व के लोग आए थे और उन्होंने ये दिशा निर्देश दिए थे कि जिस तरह से प्रदेश में कार्यकारिणी उसी तरह जिले में भी होनी चाहिए। और उससे पहले हमारे जो सीनियर नेता हैं, जो हमारे प्रभारी हैं, सह प्रभारी हैं, जिनको ये जिम्मेवारी दी गई है, तो विप्लव देव जी भी उसी सिलसिले में आज यहाँ आए थे और सभी जो हमारे मुख्य कार्यकर्ता पदाधिकारी थे उनसे आज चर्चा की और पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए, अगले विधानसभा चुनाव में हम कैसे अच्छा परफॉर्म कर पाएं, इस तरह के दिशा निर्देश आज माननीय विप्लव देव जी ने सभी कार्यकर्ताओं को दिए और सभी कार्यकर्ताओं ने उनकी बात सुनी और आगे जो दिशा निर्देश उन्होंने दिए उस पर चलते हुए आगे विधानसभा में अच्छा काम करें। अभी लोकसभा चुनाव के नतीजे सभी ने देखे, पूरे देश ने देखे, कहाँ कमी रह गई थी कि 5 सीटें लगी और अब इस बार विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी की चुनाव तैयार। देखो, राजनीति के अंदर जनसंपर्क मेन चीज होती है।